तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि आप लोग अपनी पीसी या अपने लैपटॉप पर कैपकट को आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही इजी, आप लोग बहुत ही आसानी के साथ अपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप में कैपकट को यूज़ कर सकते हो, कैपकट को डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। तो आप लोग कैसे कर सकते हो, इसके लिए सिर्फ आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो इसके लिए आप लोगों ने अपने कंप्यूटर में किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है। तो मैं यहाँ पर अपने कंप्यूटर में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर सर्च बार में आप लोगों ने लिखना है कैपकट डाउनलोड फॉर पीसी। इसको आप लोगों ने सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर पहला वेबसाइट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, खुद कैपकट वालों का है। तो यहाँ पर नीचे लिखा है प्री प्रोफेशनल डेस्कटॉप वीडियो एडिटर, तो आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर नीचे आप लोग देख सकते हो लिखा है डाउनलोड फॉर फ्री, तो आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप लोगों के सामने इस तरह इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप लोगों की डाउनलोडिंग ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है तो ठीक है, अगर आप लोगों की जो डाउनलोडिंग है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं होता। मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है या नहीं। ये इससे पहले जो मैंने डाउनलोड किया था, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ पर बैक चले आते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इफ़ द डाउनलोड डिड नॉट स्टार्ट क्लिक हेयर, अगर आपकी डाउनलोडिंग यहाँ पर स्टार्ट नहीं होती तो आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अब यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। मैं शो इन फोल्डर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इसके बाद आप लोगों ने स्किप कट पे क्लिक करना है, इसको आप लोगों ने यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पर आपके जो कैप कट यहाँ पर इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैंने अपने कंप्यूटर में पहले से ही कैप कट को यहाँ पर इंस्टॉल किया है, डाउनलोड किया है, इसीलिए यहाँ पर यह अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है। या हो सकता है स्टार्ट भी हो जाए, मेरा नेट जो है थोड़ा सा स्लो है। तो इस तरीके से आप लोग अपने कंप्यूटर में अपने पीसी में कैपकट को डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपने कैपकट को ओपन करना है। तो मैं यहाँ पर अपने कंप्यूटर में कैपकट को यहाँ पर ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने साइन इन करना है अपने जीमेल के साथ। इसके बाद आप लोग अपने कैपकट को यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ अपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप में यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग अपने कंप्यूटर में कैपकट को यूज़ कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा।